हेलो स्टूडेंट्स, आई एम वानी एंड वेलकम टू माय चैनल ई फॉर इंग्लिश। आज का हमारा टॉपिक है फिगर ऑफ स्पीच, जिसे हम हिंदी में अलंकार भी कहते हैं, और ये इंग्लिश लैंग्वेज का एक ह्यूज पोर्शन कवर करता है। सो फिगर ऑफ स्पीच क्या है? दिस इज़ ए मेथड ऑफ कम्युनिकेशन। ये कम्युनिकेशन का एक मेथड है जो हम सोसाइटी में यूज़ करते हैं। सो हम क्यों यूज़ करते हैं? ये इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि ये इंग्लिश लैंग्वेज को बहुत ही ज़्यादा एक्सप्रेसिव बनाता है, क्रिएटिव बनाता है और इंटरेस्टिंग बनाता है। चलिए हम आगे इसको अच्छे से समझते हैं कि फिगर ऑफ स्पीच क्या है और इसके टाइप्स क्या हैं। सो स्टे इन कनेक्ट टिल द एंड। फिगर ऑफ स्पीच, फिगर ऑफ स्पीच क्या है? फिगर ऑफ स्पीच इज अ वर्ड और फ्रेज दैट एनहांसेस द लैंग्वेज एंड मेक इट मोर इफेक्टिव, क्रिएटिव एंड एक्सप्रेसिव। फिगर ऑफ स्पीच एक वो वर्ड है या फ्रेज है। फ्रेज होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कि लैंग्वेज को एनहांस करता है और इसे इफेक्टिव बनाता है, क्रिएटिव बनाता है और एक्सप्रेसिव बनाता है। या A figure of speech is a word or phrase that possesses a separate meaning from its literal definition. ये जो literal definition होती है, जो असलियत में जो आप कहना चाहते हो उससे ये अलग meaning possess करता है। जैसे हिंदी में इसकी definition है, भाषा में सरलता, नवीनता एवं सौंदर्य के लिए अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। और इट कन्वेज मीनिंग बाय आइडेंटिफाइंग और कंपेयरिंग वन थिंग टू अनदर विच हैज़ कॉनोटेशन और मीनिंग फैमिलियर टू द ऑडियंस। और ये मीनिंग कन्वे करती है, मीनिंग को पहुंचाती है ऑडियंस तक, कंपेयर करके वन थिंग को दूसरी से। फिगर ऑफ स्पीच सिंपली ऐड कलर टू द इंग्लिश लैंग्वेज। तो इंग्लिश लैंग्वेज जो है इसमें ये कलर ऐड करती है। जैसे हम एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं, माई फ्रेंड इज़ मोर ब्यूटिफुल, मेरी फ्रेंड बहुत सुंदर है। अब इस सेंटेंस को हम बोल सकते हैं कि माई फ्रेंड इज़ लाइक अ रेड रोज़। आप देखिए यहाँ पे रेड रोज़ एक दूसरी चीज़ हो गई, माई फ्रेंड एक अलग है। तो दोनों जो है एक दूसरे के बराबर बोला गया है, दोनों का अर्थ एक ही है। माई फ्रेंड जैसे रेड रोज़ ब्यूटीफुल है, ऐसे ही माई फ्रेंड है, तो इसलिए माई फ्रेंड को रेड रोज़ की तरह बोला गया है। तो दोनों में क्या क्वालिटी है? रेड रोज़ ब्यूटीफुल है और माई फ्रेंड भी ब्यूटीफुल है। सो माई फ्रेंड इज़ लाइक अ रेड रोज़। लाइक का मतलब होता है की तरह, रेड रोज़ की तरह है। अब दूसरा देखिए, ही ड्रिंक्स लाइक अ फिश, वह फिश की तरह पीता है। अब फिश के साथ उसको कंपेयर किया गया है किसी पर्सन को, तो फिश जैसे पानी में रहती है, जैसे पानी पीती है, वैसे ही उस पर्सन को बोला गया कि वो फिश की तरह पीता है, तो उसका कंपैरिजन एक फिश के साथ किया गया है। सो वी यूज़ फिगरेटिव लैंग्वेज, हम फिगर ऑफ स्पीच यूज़ करते हैं इन ऑर्डर टू ड्रॉ अटेंशन टू द लैंग्वेज एंड टू कम्युनिकेट मोर इफेक्टिवली। तो फिगर ऑफ स्पीच का हम लैंग्वेज में इसलिए यूज़ करते हैं जिससे कि आप दूसरों की अटेंशन ले सको और कम्युनिकेट इफेक्टिवली कर सको। सो फिगर ऑफ स्पीच आर यूज्ड इन ऑल टाइप्स ऑफ राइटिंग। जैसे प्रोज चैट करने में हम यूज़ करते हैं फिगर ऑफ स्पीच, पोइट्री में यूज़ करते हैं या ड्रामा में यूज़ करते हैं। तो टाइप्स क्या हैं फिगर ऑफ स्पीच के? देयर आर काउंटलेस फिगर्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज में फिगर ऑफ स्पीच बहुत है एंड दे फॉल इनटू हंड्रेड्स ऑफ कैटेगरीज, उनकी हंड्रेड्स ऑफ कैटेगरीज हैं। लेकिन हम करेंगे कॉमन 23 टाइप्स ऑफ फिगर ऑफ स्पीच। तो वो कौन कौन सी हैं? सिमिले, मेटाफर, परसोनिफिकेशन, मेटोनिमी, एपोस्ट्रॉफी, हाइपरबली, सिनेक्टकी, ट्रांसफर्ड एपिथेट्स, यूफेमिज्म, आयरनी, पन, एजोनेंस, एंटीथेसिस, ऑक्सीमोरॉन, लाइटोटस,
या इसे लिटोटस भी बोलते हैं, क्यास्मस, एक्सक्लेमेशन, क्लाइमेक्स, एंटी क्लाइमेक्स, एलिट्रेशन, ऑनोमेटोपिया, पैराडॉक्स, टोटोलॉजी। तो ये सब 23 फिगर ऑफ स्पीच हैं जो कॉमन हैं, और आज हम इस वीडियो में करेंगे 11 फिगर ऑफ स्पीच। तो ये पार्ट वन है जो कि इस वीडियो में कवर होगा, और जो बाकी की फिगर ऑफ स्पीच 12 है वो पार्ट टू में हम आने वाली नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो उसके लिए आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी, पर इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो हम पार्ट वन में कवर करते हैं 11, जो पहली 11 फिगर ऑफ स्पीच हैं। सबसे पहले है सिमिले, जिसे हम हिंदी में उपमा अलंकार भी कहते हैं। तो सिमिले क्या है? अ फिगर ऑफ स्पीच दैट एक्सप्रेसेस अ रिसेम्बलेंस बिटवीन थिंग्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स। ये वो फिगर ऑफ स्पीच है जो रिसेम्बलेंस करती है डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग्स में। तो इट इंक्लूड्स द वर्ड्स। तो कौन कौन से ये वर्ड्स इंक्लूड्स करती हैं? लाइक और एज। तो ये टू वर्ड्स इंक्लूड्स करती हैं, लाइक और एज। तो हिंदी में हम बोल सकते हैं कि यह अलंकार दो विभिन्न प्रकार की चीज़ों के बीच एक समानता व्यक्त करती है जिनमें कम से कम एक गुण समान हो। तो दो अलग अलग तरह की चीज़ें होंगी लेकिन उन दोनों चीज़ों में एक समानता होगी। तो यहाँ पर समानता लाने के लिए सेंटेंस में जो वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं वो हैं लाइक, जिसका मतलब होता है के समान, एज, जैसा। तो ये वर्ड्स हम यूज़ करते हैं। आप देखिए सिमिली में जो एज वर्ड है उसमें जो सेंटेंस पैटर्न होता है उसमें एज यूज़ करते हैं, फिर दोनों चीज़ों के बीच में जो कॉमन क्वालिटी होती है वो लिखते हैं, उसके बाद फिर से एज यूज़ किया जाता है, देन नाउन को यूज़ किया जाता है। जैसे As cold as ice। अब आपको सेंटेंस का पैटर्न पता होता है कि पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आती है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। तो सब्जेक्ट तो आएगा ही, लेकिन उसके बाद आपने as कॉमन क्वालिटी, फिर as, फिर नाउन यूज़ करोगे। जैसे as cold as ice, आइस की तरह ठंडा, राइट? जैसे ही इज़ as फनी as अ मंकी। अब यहाँ पर ही को मंकी के साथ कंपेयर किया गया है, तो दोनों में क्वालिटी क्या कॉमन है? फनी। जैसे मंकी फनी है वैसे ही भी फनी है, तो कॉमन क्वालिटी जो है वो फनी है। अब नेक्स्ट है माय सिस्टर इज एज स्वीट एज शुगर। अब शुगर भी स्वीट होता है, ऐसे माय सिस्टर भी स्वीट है, तो दोनों में कॉमन क्वालिटी है स्वीट। तो यहाँ पर स्वीट वर्ड यूज़ किया गया है। ही इज़ As strong as an ox, वो ox की तरह strong है। अब यहाँ पर ox और he में common quality क्या है? Strong। तो यहाँ पे as two times use कर रखा है और center में आपने quality लिखनी है। तो किसके साथ वो है? As के बाद जिसके second thing जो use कर रहे हो, और as जो first as है उससे पहले जो first thing आप use करोगे। ऐसे ही सिमिली है like। तो लाइक का जो सेंटेंस पैटर्न है, तो किसी भी सेंटेंस में लाइक कहाँ यूज़ होता है? वर्ब के बाद आप लाइक यूज़ करोगे, उसके बाद जब आप नाउन लिखोगे तो नाउन के साथ आप ए, एन, दी या फिर नन, इन तीनों में से कोई भी नहीं यूज़ करोगे। और इसका सेकंड पैटर्न होता है आप लाइक यूज़ करोगे और ए, एन, दी या नन के साथ आप नाउन यूज़ करोगे। और जैसे जो फर्स्ट है पैटर्न, उसमें एग्जांपल है फाइट लाइक कैट्स। अब कैट्स के साथ मैंने ना ए यूज़ किया है, ना ही एन यूज़ किया है और ना ही दी यूज़ किया है। और यहाँ पर है फाइट, वर्ब है फाइट, उसके बाद लाइक कैट्स। ऐसे ही जो सेकंड है लाइक एन एंजल। अब यहाँ पर लाइक एन एंजल, एन लगाया है क्योंकि यहाँ पर एक वाउल साउंड है, इसीलिए एन यूज़ कर रखा है। अब सेंटेंस देखते हैं। अब दोनों जो टू थिंग्स के बीच में क्या कॉमन है?
ही फाउट लाइक अ लाइन, वह एक लाइन की तरह लड़ा। अब यहाँ पर फाउट एक वर्ब है, उसके बाद लाइक यूज़ हुआ, फिर अ लाइन यूज़ हुआ, एक नाउन यूज़ हुआ, वह एक लाइन की तरह लड़ा। नेक्स्ट है हर चीक्स आर रेड लाइक अ रोज़, उसके चीक्स एक रोज़ की तरह रेड हैं। अब इन दोनों में क्या क्वालिटी कॉमन है? रेड। अब ही और लाइन में क्या क्वालिटी है? लड़ने की। जैसे लाइन लड़ता है वैसे ही वो लड़ता है, तो दोनों में कॉमन क्वालिटी फाउट आ गई। हर और रोज़ में कॉमन क्वालिटी, हर चीक्स और रोज़ में कॉमन क्वालिटी है रेड। ऐसे ही नेक्स्ट है ही स्लेप्ट लाइक अ बेबी, अब यहाँ पर वह एक बेबी की तरह सोया। अब यहाँ पर देखिए ही और बेबी के बीच में क्या कॉमन है? सोना। तो यहाँ पर स्लेप्ट एक कॉमन क्वालिटी है दोनों में। द फर्स्ट एज इज समटाइम्स सप्रेस्ड, कई बार क्या होता है जैसे आपने पहले ये एज पढ़ा है कि एज टू टाइम्स यूज़ हो रखा है, क्वालिटी के बीच जो क्वालिटी है वो बीच में है और उससे पहले और उसके बाद एज यूज़ हो रखा है। लेकिन समटाइम्स क्या होता है जो पहले वाला जो एज होता है वो यूज़ नहीं करते हम सेंटेंसेस में, जैसे हिज स्किन वॉज कोल्ड एज आइस, उसकी स्किन एक आइस की तरह ठंडी थी। अब यहाँ पर आइस और स्किन में क्या क्वालिटी है कॉमन? कोल्ड। अब इन सभी सेंटेंसेस में देखिए कि जो सिमिली है एज और लाइक, वो दो चीज़ों के बीच में एक कॉमन क्वालिटी को बताता है। अब जो दो चीज़ें हैं वो दोनों अलग अलग हैं, एक ह्यूमन बीइंग है और दूसरा या फिर लिविंग थिंग्स है या फिर नॉन लिविंग थिंग्स है, मतलब दोनों एक कास्ट की नहीं है, दोनों अलग अलग हैं। जैसे ही जो है एक ह्यूमन बीइंग है, मंकी एक एनिमल है, माय सिस्टर ह्यूमन बीइंग है, शुगर जो है वो एक चीज़ है, कोई थिंग है, और ही क्या है? ह्यूमन बीइंग है, ऑक्स एक एनिमल है। तो ये सब यहाँ पर भी देखिए, ही ह्यूमन बीइंग है, लाइन जो है वो एनिमल है, हर चिक्स ये ह्यूमन बीइंग के चिक्स हैं, रोज जो है वो एक नॉन लिविंग थिंग है, ऐसे ही जो है वो एक ह्यूमन बीइंग के लिए यूज़ किया गया है, और बेबी जो है वो एक छोटे बच्चे, बेबी जो होता है वो एक छोटे बच्चा या तो एनिमल का भी हो सकता है जो क्राई कर सकता है। तो इन सब में क्या है कि दोनों चीज़ें एक दूसरे से अलग हैं, एक कास्ट की नहीं है। अब ये मैंने आपको क्यों बताया है ये हम आगे देखते हैं। इफ़ द कंपैरिजन इज बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ द सेम काइंड्स, अगर कंपैरिजन दो जो ऑब्जेक्ट्स हैं अगर वो सेम काइंड्स के हैं, देन इट विल नॉट बी सिमिली, तो ये सिमिली नहीं होगा, ये कंपैरिजन होगा। अगर दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में एक क्वालिटी शेयर हो रही है, अगर वो एक ही तरह के हैं, एक ही कास्ट के हैं, तो वो सिमिली में नहीं गिने जाते हैं, वो एक तरह से कंपैरिजन होता है। जैसे शी इज़ एज़ ब्यूटिफुल एज हर सिस्टर, वह अपने सिस्टर की तरह सुंदर हैं। अब इस सेंटेंस में शी और हर सिस्टर ये दोनों क्या हैं? ये सेम काइंड के हैं, एक ही कास्ट में आते हैं, दोनों ही ह्यूमन बीइंग्स हैं, तो ये सिमिली में नहीं आता सेंटेंस, ये एक कंपैरिजन है। तो आपने ये चीज़ याद रखनी है, जो सिमिली होता है वो टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में जो क्वालिटी होती है उसको शो करता है, जो सेम काइंड्स के ऑब्जेक्ट्स में जो क्वालिटी शो करते हैं वो सिमिली नहीं होते। तो ये एक एक्सेप्शन है जो आपने याद रखनी है। नेक्स्ट हमारा फिगर ऑफ स्पीच है जो कि एक टाइप है मेटाफर, जिसे हम हिंदी में रूपक अलंकार भी कहते हैं, मेटाफर। तो मेटाफर क्या होता है? अ मेटाफर इज़ एन इम्प्लाइड सिमिली, हियर वर्ड्स लाइक एज आर नॉट यूज्ड, तो ये एक तरह से सिमिली को इम्प्लाइड करता है और इसमें वर्ड्स लाइक और एज यूज नहीं किए जाते। और अ फिगर ऑफ स्पीच कंपेयरिंग टू अनलाइक थिंग्स विदाउट यूजिंग लाइक
और एज, तो दो अलग तरह की चीज़ों को ये कंपेयर करता है, लेकिन वर्ड्स लाइक और एज एक सिमिली की तरह यूज नहीं करता। इट डज दिस बाय स्टेटिंग दैट थिंग ए इज थिंग बी। ये इस तरह से करता है, स्टेट मतलब सेंटेंस इस तरह से हुआ कि एक चीज जो है वो दूसरी चीज है, कि थिंग ए इज थिंग बी। और जैसे हिंदी में इसके डेफिनेशन है, इसमें तुलना की जाने वाली बातों को एक एक मान लिया जाता है तथा तुलना करने वाले शब्द एज या लाइक का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो तुलना की जाने वाली बातों को एक मान लिया जाता है, जैसे ही फाउट लाइक अ लायन। अब यहाँ पर देखिए, ये एक सिमिली है जिसमें लाइक यूज कर रखा है। तो इस सेंटेंस में हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, ही वॉज अ लायन इन द फाइट। तो यहाँ पर एक ही बात को मान लिया गया है, तो यहाँ पे कंपैरिजन जो वर्ड है वो तुलना जो है यहाँ पे एज और लाइक लगाकर नहीं की गई है। यहाँ पर एक सेंटेंस में हमने चीज़ों को एक ही मान लिया, दोनों चीज़ों को एक ही मान लिया है कि वह लड़ाई में एक लाइन था, लड़ने में एक लाइन था। तो यहाँ पर was a lion in the fight, like जो word है वो remove कर दिया गया है, he was a lion, thing A is thing B, he was a lion या he is a lion, किस में lion था, in the fight। तो thing A जो है वो है he और thing B जो है वो है lion, तो he was a lion in the fight। तो ये क्या है, एक metaphor है। अब इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं, लाइफ इज़ ए ड्रीम। अब यहाँ पर लाइफ वन थिंग है और ड्रीम अलग चीज़ है, दोनों अलग अलग हैं। तो लाइफ एक ड्रीम है, थिंग ए इज थिंग बी। नेक्स्ट है, हर चीक्स वर रोजेज, थिंग ए इज थिंग बी। तो थिंग ए जो है वो है हर चीक्स और रोजेज जो है वो थिंग बी है। तो आपने ये पैटर्न याद रखना है कि मेटाफर में क्या होगा, थिंग ए इज थिंग बी, यहाँ पे लाइक और एज यूज नहीं होगा। द कैमल इज शिप ऑफ द डेजर्ट। अब यहाँ पे द कैमल थिंग ए है और द शिप ऑफ द डेजर्ट जो है वो थिंग बी है। शी इज एन एंजल। अब यहाँ पे शी थिंग ए है एंड एंजल थिंग बी है, तो थिंग ए इज थिंग बी। नेक्स्ट हमारा है पर्सोनिफिकेशन, जिसे हम हिंदी में मानवीकरण अलंकार भी कहते हैं। तो पर्सोनिफिकेशन क्या है, पर्सोनिफिकेशन इज अ लिटरली टर्म फॉर गिविंग ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स टू समथिंग दैट इज नॉट ह्यूमन। कोई चीज है, कोई नॉन लिविंग चीज़ है जो कि ह्यूमन नहीं है, उसको ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स दिए जाते हैं, ऐसे गुण दिए जाते हैं जो कि ह्यूमंस को दिए जाते हैं, जैसे रिप्रेजेंटिंग एन एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी और आइडिया एज ए पर्सन और क्रिएचर। तो ये क्वालिटी और आइडियाज रिप्रेजेंट करता है एक पर्सन और क्रिएचर की तरह। जैसे इसमें निर्जीव वस्तु तथा भावों को सजीव मानकर व्यक्ति के रूप में वर्णन करते हैं। तो निर्जीव जो वस्तुएं होती है जिनमें जान नहीं होती, और जो भाव भाव होते हैं, जो हमारी ओपिनियंस होती हैं, इमोशंस होती हैं, उनको सजीव मानकर व्यक्ति के रूप में वर्णन करते हैं। जैसे अ लाई हैज नो लेग्स, एक झूठ के पाँव नहीं होते। तो देखिए, झूठ जो है उसके पाँव नहीं होते, उसके पाँव तो होते ही नहीं हैं, लेकिन इसका मतलब क्या है, झूठ के पैर नहीं होते, मतलब झूठ ज़्यादा देर तक नहीं रहता, वो पकड़ा जाता है, पैर नहीं होते, वो भाग नहीं जाता है, वो बचता नहीं है, वो पकड़ा जाता है। तो उसका कंपैरिजन जो है, अलाई जो है एक निर्जीव एक भाव है, तो उसका जो कंपेयर किया गया है वो नो लेग्स, लेग्स के साथ किया गया है। लेग्स जो है वो क्या है, एक क्वालिटी, एक बॉडी पार्ट्स है, कैरेक्टरिस्टिक है ह्यूमन बीइंग्स का, एक ह्यूमन बीइंग्स का कैरेक्टरिस्टिक है, तो इसके साथ इसको कंपेयर किया गया है। तो क्या है, यहाँ पे नॉन लिविंग जो थिंग है उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स हैं लिविंग थिंग्स के। तो झूठ के पैर नहीं होते, ये क्या है, एक पर्सोनिफिकेशन है।
मानवीकरण से ही पता लग जाता है। जैसे जेलसी इज अ ग्रीन आइड मॉन्स्टर। अब यहाँ पर जेलसी जो है उसको एक मॉन्स्टर की ग्रीन आई के साथ कंपेयर किया गया है। तो जेलसी एक इमोशन है और यहाँ पे इमोशन का ग्रीन आई के साथ, मॉन्स्टर की आई के साथ कंपेयर किया गया है, जो कि एक करेक्टरिस्टिक क्वालिटी है ह्यूमन की। एंग्जाइटी इज सिटिंग ऑन हर फेस। अब यहाँ पे सिटिंग, बैठना, अब चिंता जो होती है वो फेस पे तो नहीं बैठती, चिंता जो होती है वो फेस पे दिखाई देती है। तो हम यूज़ करते हैं ये वर्ड्स इसको लैंग्वेज को और ज़्यादा क्रिएटिव बनाने के लिए। तो यहाँ पे सिटिंग जो वर्ड है वो एक कैरेक्टरिस्टिक है क्रिएचर का, ह्यूमन बीइंग्स का, लिविंग थिंग्स का। तो यहाँ पर एंग्जाइटी एक इमोशन है, राइट? तो इसका कंपैरिजन एक इमोशन का कंपैरिजन एक सिटिंग वर्ड जो कि एक ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक है उसके साथ किया गया है। द कर्टन्स डांस्ड इन द ब्रीज। अब यहाँ पर देखिए कर्टन्स जो होते हैं वो डांस तो नहीं करते हैं, वो हिलते हैं। तो यहाँ पर डांस जो है वो भी एक ऐसा वर्ड है जो लिविंग थिंग्स के साथ यूज़ किया जाता है, और यहाँ पे कर्टन्स जो हैं वो एक नॉन लिविंग थिंग है। तो डांस क्वालिटी जो है यहाँ पर यूज़ कर रखी है। द ग्रीस जम्प्ड आउट ऑफ द पैन। तेल जो है वो पैन से बाहर निकल आया। अब जम्प्ड आउट, जम्प्ड जो है एक कैरेक्टरिस्टिक क्वालिटी है जो ह्यूमन बींग्स को दी जाती है कि वो उसने जम्प किया। लेकिन यहाँ पर ग्रीस ऑयल जो है उसके साथ ये वर्ड यूज़ कर रखा है, तो ये क्या है, एक पर्सोनिफिकेशन है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द पर्सोनिफिकेशन। नेक्स्ट है मेटोनमी, जिसे हम हिंदी में लक्षणालंकार भी कहते हैं। सो मेटोनमी क्या है? मेटोनमी रिप्लेसेस द नेम ऑफ ए थिंग विद द नेम ऑफ समथिंग एल्स विद विच इट इज़ क्लोजली एसोसिएटेड। तो मेटोनमी क्या होता है? मेटोनमी में हम किसी चीज़ के नाम को उस नाम से बदल देते हैं जो इस चीज़ के साथ क्लोजली एसोसिएटेड होता है। और हिंदी में किसी चीज़ के नाम को किसी अन्य चीज़ के नाम से बदल देता है जिसके साथ वह निकटता से जुड़ा होता है। मतलब कोई एक चीज़ का नाम है, उस नाम को हम एक ऐसी चीज़ के नाम से बदल देंगे वो चीज़ उससे क्लोजली एसोसिएटेड होती है। जैसे लेट मी गिव यू अ हैंड। अब यहाँ पर हमने वर्ड हैंड यूज़ कर रखा है, तो गिव यू अ हैंड, तो हैंड वर्ड का मतलब है, हैंड मीन्स हेल्प, तो हेल्प लिखने की जगह हमने यहाँ पर हैंड यूज़ कर रखा है। तो हेल्प क्या है? एक प्रॉपर वर्ड है, तो उस प्रॉपर वर्ड की जगह हमने एक एसोसिएटेड वर्ड हैंड यूज़ कर रखा है। सो यहाँ पर हैंड एक एसोसिएटेड वर्ड है जो कि इस सेंटेंस में यूज़ हो रखा है, और इसे हम बोलेंगे मेटोनमी। मुझे आपकी मदद करने दो, तो अपना हाथ दो। इसका मतलब क्या है? मुझे आपकी हेल्प करने दो। नेक्स्ट एग्जांपल्स हैं ईयर्स। अब ईयर्स जो हैं, अगर हम इसकी मेटोनमी देखें तो ये अटेंशन लेने के लिए और लिसनिंग के लिए हैं। तो ईयर हम यहाँ पर सेंटेंस में अगर यूज़ करते हैं, लेंड मी योर ईयर्स, मुझे अपने कान दो, तो यहाँ पर देखिए ईयर्स जो हैं एक प्रॉपर वर्ड नहीं है, एक एसोसिएटेड वर्ड है जिसका मतलब होता है अटेंशन लेना या सुनना, मुझे आपकी अटेंशन लेने दो। तो यहाँ पर ईयर्स एक एसोसिएटेड वर्ड है, तो एसोसिएटेड वर्ड जो है अटेंशन और लिसनिंग की जगह यूज़ हो रखा है। सो लेंड मी योर ईयर्स, मुझे आपकी अटेंशन दो। अब ऐसे ही द बिग हाउस क्या है? एक एसोसिएटेड वर्ड है किसका? फॉर प्रिजन के लिए।
प्रिजन प्रॉपर वर्ड है, पर हम प्रिजन यूज़ नहीं करेंगे, हम बिग हाउस यूज़ करेंगे, एक एसोसिएटेड वर्ड यूज़ करेंगे जिसका मतलब होता है प्रिजन। आप यहाँ पर देखें, इससे रिलेटेड सेंटेंस है, माई फ्रेंड वॉज रिलीज फ्रॉम द बिग हाउस। अब द बिग हाउस एक एसोसिएटेड वर्ड है, वह अपने बिग हाउस से रिलीज हुआ। अब रिलीज होने का मतलब यहाँ पर है वह जेल से रिलीज हुआ है, प्रिजन से रिलीज हुआ है। तो यहाँ पर बिग हाउस एक एसोसिएटेड वर्ड है जो रिप्लेस कर रहा है मेन प्रॉपर वर्ड को, प्रिजन को। नेक्स्ट है हॉलीवुड। अब हॉलीवुड जो है एक एसोसिएटेड वर्ड है, उसका मतलब है फॉर द यूएस फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड है। तो यहाँ पर द यूएस फिल्म इंडस्ट्री जो है वो एक प्रॉपर वर्ड है। तो यहाँ पर हम इसका सेंटेंस बनाते हैं, हॉलीवुड हैज़ बीन रिलीजिंग मैनी मूवीज़। यहाँ पर हॉलीवुड एक एसोसिएटेड वर्ड है जो कि एक प्रॉपर वर्ड यूएस फिल्म इंडस्ट्री की जगह यूज़ हो रखा है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द एग्जाम्पल्स ऑफ मेटोनिमी। अब कुछ ऐसे हम एसोसिएटेड वर्ड्स देखते हैं जो प्रॉपर वर्ड्स के जगह यूज़ किए जाते हैं मेटोनिमी में। द बेंच, अब द बेंच जो होता है वो यूज़ किया जाता है जजेस की जगह। द क्राउन हम यूज़ कर सकते हैं फॉर द किंग। द हाउस, द मेम्बर्स ऑफ लोकसभा के लिए हम द हाउस यूज़ करते हैं। द रेड कोट फॉर ब्रिटिश जो सोल्जर्स हैं उनके लिए यूज़ करते हैं। स्वॉर्ड जो है वो मिलिट्री फोर्स के लिए यूज़ करते हैं। और पेन फॉर राइटिंग वर्ड के लिए यूज़ करते हैं। सो दीज जो ग्रीन कलर के, दीज ऑल आर एसोसिएटेड वर्ड्स जो कि प्रॉपर वर्ड्स की जगह यूज़ किए जाते हैं। और ये सब क्या है, ये सब मेटोनिमी है। नेक्स्ट है हमारा एपोस्ट्रॉफी, जिसे हम हिंदी में संबोधन अलंकार भी कहते हैं। सो एपोस्ट्रॉफी फिगर ऑफ स्पीच क्या है? एपोस्ट्रॉफी इज अ डायरेक्ट एड्रेस टू द डेड, टू द एब्सेंट और टू ए पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट और आइडिया। एपोस्ट्रॉफी क्या है? वो एक एड्रेस करता है डेड को, जो डेड कोई भी चीज़ है या कोई एब्सेंट कोई चीज़ है, या टू ए पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट। पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? जो मानवीकरण चीज़ें होती हैं, जो आपकी इमोशंस हैं, आपकी फीलिंग्स हैं, आपके आइडियाज़ हैं, जो ह्यूमन से रिलेटेड हैं फीलिंग्स, ये सबको ये एड्रेस करता है। तो इस अलंकार में मृत, अनुपस्थित या मानवीकरण किए हुए पदार्थ या विचार, मानवीकरण वही आपके इमोशंस फीलिंग्स ये सब, इन सबको ये संबोधित करता है। जैसे ओ होली नाइट द स्टार्स आर ब्राइटली शाइनिंग। अब यहाँ पर देखिए, नाइट तो सुन नहीं सकती लेकिन उसको एड्रेस किया गया है, तो ये क्या है, एक एपोस्ट्रॉफी फिगर ऑफ स्पीच है। सो दिस इज ए एपोस्ट्रॉफी फिगर ऑफ स्पीच। हे पवित्र रात्रि, तारे चमकीले चमक रहे हैं। तो रात्रि को बताने का तो कोई आपका मतलब नहीं है क्योंकि वो तो सुन नहीं सकती। सो दिस इज ए एपोस्ट्रॉफी फिगर ऑफ स्पीच। तो उसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। ओ डेथ वेयर इज थाय स्ट्रिंग। अब यहाँ पर देखिए, डेथ को पुकारा गया है तो डेथ तो नहीं सुन सकती। तो वेयर इज थाय, थाय का मतलब होता है आप, तुम्हारा, स्टिंग मीन्स जो डंक होता है, तुम्हारा डंक कहाँ है। तो डेथ को पुकारा गया है, उसको एड्रेस किया गया है, तो डेथ तो नहीं सुन सकती। तो क्या है ये सब फिगर ऑफ स्पीच है। कौन सी है? एपोस्ट्रॉफी। ओ ग्रेव वेयर इज थाय विक्ट्री। अब ग्रेव जो है कब्र को पुकारा गया है, तो उसको बुलाया गया है कि वेयर इज थाय विक्ट्री, तुम्हारी जीत कहाँ है। तो ये भी क्या है, एक एपोस्ट्रॉफी फिगर ऑफ स्पीच है। ओ सॉलिट्यूड वेयर आर द चार्म्स। सॉलिट्यूड क्या होता है? एकांत, एकांत को बुलाया गया है। तो क्या है, ये पर्सोनिफाइड थिंग हो गई। पर्सोनिफाइड थिंग क्या होती है? जो ह्यूमन बींग से रिलेटेड आपकी फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, ये सब जो होती हैं, इनको एड्रेस करना, एक पर्सोनिफाई एड्रेस करना क्या है, एक एपोस्ट्रॉफी फिगर ऑफ स्पीच है। नेक्स्ट है ओ फ्रीडम। अब फ्रीडम को बुलाया गया है, आई नीड यू सो दैट आई मे फ्लाई फ्री इन द ओपन स्काई। तो फ्रीडम भी नहीं सुन सकती, तो उसको भी उसने बोला गया कि ओ फ्रीडम, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है जिससे कि मैं आसमान में उड़ सकूं।
तो यहाँ पर देखिए, ओ डेथ, ओ ग्रेव, ओ सॉलिट्यूड, ओ फ्रीडम, तो यहाँ पर ये सब क्या है, एपोस्ट्रॉफी फिगर ऑफ स्पीच है, क्योंकि ये सब एड्रेस कर रहे हैं उन चीज़ों को जो सुन नहीं सकती, जो निर्जीव होती हैं, एक जैसे जो अनुपस्थित होती हैं, तो इन सब को अगर आप एड्रेस कर रहे हो तो वो एपोस्ट्रॉफी फिगर ऑफ स्पीच में आता है। अब देखिए, एपोस्ट्रॉफी पंक्चुएशन भी होती है और एपोस्ट्रॉफी फिगर ऑफ स्पीच भी होता है, तो दोनों में क्या डिफरेंस है? अब देखिए, अपोस्ट्रॉफी फिगर ऑफ स्पीच और अपोस्ट्रॉफी पंक्चुएशन में क्या डिफरेंस है? तो अपोस्ट्रॉफी फिगर ऑफ स्पीच हमें पता लग गया है कि अपोस्ट्रॉफी फिगर ऑफ स्पीच में ये डायरेक्ट एड्रेस करता है किसी भी डेड या एब्सेंट ऑब्जेक्ट को, या फिर पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट या आइडियाज़ को। पर्सोनिफाइड क्या होती है? इमोशंस या फीलिंग्स। एग्जाम्पल है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। अब इस सेंटेंस में स्टार को एड्रेस कर रखा है ट्विंकल ट्विंकल, तो ये क्या है? एक एपोस्ट्रॉफी फिगर ऑफ स्पीच है। अब एपोस्ट्रॉफी पंक्चुएशन क्या है? इट शोज द पोजिशन विद द सिंगुलर नाउन एंड एड एन एपोस्ट्रॉफी प्लस द लेटर एस। तो यहाँ पर ये एपोस्ट्रॉफी का साइन होता है ये वाला, और यहाँ पर एस लेटर जो है वो लिखा जाता है। तो इसका जो ऐड होना क्या बताता है? ये सिग्निफाइज करता है का के की को, पोजेशन को। जैसे अ गर्ल्स ड्रेस, एक लड़की की ड्रेस, राइट? तो एक लड़की की ड्रेस, तो की के लिए हमने यहाँ पे पोजेशन बताया है, उसके लिए एपोस्ट्रॉफी एस का यूज़ कर रखा है। सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन फिगर ऑफ स्पीच एंड पंक्चुएशन में। नेक्स्ट है हाइपरबोली, जिसे हम हिंदी में अतिशयोक्ति अलंकार भी कहते हैं। सो हाइपरबोली क्या है? हाइपरबोली इज अ फिगर ऑफ स्पीच दैट यूजेज एक्सट्रीम एग्जेजरेशन टू ड्रामेटाइज द इम्पैक्ट ऑफ ए सेंटेंस। सेंटेंस के इम्पैक्ट को और ड्रामेटाइज करने के लिए, उसको और ड्रामा में कन्वर्ट करने के लिए ये यूज़ किया जाता है, हाइपरबोली फिगर ऑफ स्पीच। तो इस अलंकार में एक वाक्य के प्रभाव को नाटकीय बनाने के लिए अत्यधिक अतिशयोक्ति का उपयोग किया जाता है, और ज़्यादा उसको बढ़ा दिया जाता है उस बात को। जैसे He is older than the hills. अब देखिए, he is older, इससे पता लग रहा है, लेकिन उसको और ज़्यादा ड्रामेटाइज करने के लिए हमने उसमें कुछ फ्रेज ऐड कर दिया गया है, than the hills। जैसे hills ऊंची होती है, ऐसे ही उसकी उम्र भी ज़्यादा बड़ी है। सो ये एक ड्रामेटाइज है, वो पहाड़ियों से उम्र में बड़ा है। ऐसे ही नेक्स्ट और सेंटेंसेस हैं, शी क्राइड सो मच दैट हर टीयर्स कुड फिल द सी। अब देखिए, शी क्राइड सो मच, हमें इसी से पता लग गया है, कुछ वर्ड से पता लग गया कि वो बहुत रो रही है, लेकिन उसको और ज़्यादा हमने ड्रामेटाइज करने के लिए कुछ फ्रेज एंटर कर दिया है, दैट हर टीयर्स, कि उसके आंसू समुंदर को भी भर सकें, कि वो इतना रो रही है। तो क्या हो गया कि ये स्टेटमेंट और ज़्यादा ड्रामेटाइज हो गई। तो क्या है ये? हाइपरबोली फिगर ऑफ स्पीच है। ऐसे ही रिवर्स ऑफ ब्लड फ्लोड इन द बैटल, युद्ध में जो है खून की नदियां बह रही थी। अब यहाँ पे ब्लड रिवर जो है वो वर्ड यूज़ कर रखा गया है यहाँ पे, तो क्या है, इसको और ज़्यादा ड्रामेटाइज कर रहा है। तो ये हाइपरबोली फिगर ऑफ स्पीच है। आई हैव नॉट सीन हर फॉर एजेस, अब यहाँ पर एजेस यूज़ कर रखा है, तो आई हैव नॉट सीन हर, यहाँ से पता लग रहा है फॉर एजेस। एजेस मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब एजेस काफ़ी टाइम दे दिया गया है, तो ये क्या है, एक ड्रामेटाइज सीन क्रिएट कर रहा है। तो ये एक सेंटेंस, एक स्टेटमेंट क्या है, एक हाइपरबोली फिगर ऑफ स्पीच है। नेक्स्ट है माई स्कूल बैग वेज अ टन, मेरा स्कूल बैग 1 टन वेट कर रहा है, तो ये भी एक टन मतलब बहुत ज़्यादा हो गया, एक ड्रामेटाइज स्टेटमेंट हो गई, तो ये भी एक हाइपरबोली फिगर ऑफ स्पीच है। तो कुछ ऐसे वर्ड्स जो कि एक स्टेटमेंट को ड्रामेटाइज कर देते हैं, तो उसको हम बोलते हैं हाइपरबोली फिगर ऑफ स्पीच। नेक्स्ट है स्नैक टकी, स्नैक टकी जिसे हम उपलक्ष्य अलंकार भी कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन है, हियर अ पार्ट इज़ यूज टू डेजिग्नेट द होल और होल इज़ यूज टू डेजिग्नेट अ पार्ट। तो इसमें क्या होता है कि एक छोटे से पार्ट को एक पूरी चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, और एक पूरी चीज़ को एक छोटे से पार्ट के लिए यूज़ किया जाता है। इस अलंकार में एक हिस्से से पूरे को दर्शाया जाता है और पूरे से एक भाग को दर्शाया जाता है। जैसे ये सेंटेंस से ही समझ आएगा,
आई वर्क टू अर्न माई ब्रेड, मैं काम करता हूँ अपनी ब्रेड को अर्न करने के लिए। तो यहाँ पर ब्रेड क्या है, ब्रेड एक फूड को रिप्रेजेंट कर रही है, तो एक ब्रेड यूज़ कर रखा है फूड की जगह। तो फूड क्या है, एक होल थिंग है, तो फूड को दिखाने के लिए उसका एक छोटा सा पार्ट ब्रेड, एक खाने की चीज़ यूज़ कर रखी है। तो ये एक स्नैक्ड की फिगर ऑफ स्पीच है, तो इसका एक छोटा सा पार्ट क्या है, ब्रेड, जो कि किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फूड को। तो ऐसे ही और एग्जांपल्स हैं, तो हम वो एग्जांपल्स देखते हैं जिसमें कि एक छोटा पार्ट पूरे को बता रहा है और एक पूरा छोटे पार्ट को बता रहा है। तो सबसे पहले है अ पार्ट टू रिप्रेजेंट अ होल, तो ही हैज़ मैनी माउथ्स टू फीड। अब यहाँ पे माउथ वर्ड का यूज़ हो रखा है कि उसके बहुत माउथ्स है फीड के लिए। तो माउथ किसको शो कर रहा है, माउथ रेफर्स टू द पीपल, तो लोगों की मुंह। तो यहाँ पर पीपल की जगह माउथ्स जो है पीपल की जगह यूज़ हो रखा है। तो होल क्या है यहाँ पे वर्ड, पीपल, और एक स्मॉल पार्ट जो है वो है माउथ। ऐसे ही अ होल टू रिप्रेजेंट अ पार्ट, ऐसी स्टेटमेंट जिसमें एक पूरा ऐसा वर्ड यूज़ किया जाता है जो एक छोटे से पार्ट को रिप्रेजेंट करता है उसी वर्ड के, जैसे इंग्लैंड लॉस्ट द मैच अगेंस्ट इंडिया। अब इंग्लैंड और इंडिया, यहाँ पे टू कंट्रीज़ यूज़ हो रखी हैं, तो ये कंट्रीज़ क्या रिप्रेजेंट कर रही है, क्रिकेट टीम्स को रिप्रेजेंट कर रही है इन दोनों कंट्रीज़ की। तो क्रिकेट टीम क्या होगी, इन दोनों कंट्री का एक छोटा सा पार्ट होगी, और इंडिया और इंग्लैंड क्या है, एक बिग कंट्रीज़ हैं। तो यहाँ पे होल पार्ट जो है एक स्मॉल पार्ट को बता रहा है। सो दिस इज़ ऑल। नेक्स्ट है ट्रांसफर्ड एपिथेट्स, जिसे हम हिंदी में विशेषण विपर्य अलंकार भी कहते हैं। तो ट्रांसफर्ड एपिथेट्स क्या हैं, एपिथेट इज़ द एडजेक्टिव दैट डिस्क्राइब सम ऑब्जेक्ट और पर्सन, जो कि डिस्क्राइब करता है ऑब्जेक्ट को या पर्सन को। सो इन दिस फिगर ऑफ स्पीच द एपिथेट, जो कि एक एडजेक्टिव की तरह वर्क करता है, मतलब उसके गुण को बताता है, इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम इट्स प्रॉपर वर्ड, जो कि प्रॉपर वर्ड है जिसके साथ उसको जुड़ना चाहिए, वहाँ से ट्रांसफ़र होके सम अदर वर्ड, दूसरे वर्ड के पास चला जाता है जो कि उससे एसोसिएटेड होता है। जैसे इस अलंकार में विशेषण को अपने सही जगह पर किसी अन्य ऐसे शब्द के साथ जोड़ा जाता है जो उस वाक्य में उस सही शब्द से जुड़ा हो। तो यहाँ पर किसकी मूवमेंट हो रही है, एडजेक्टिव की। अब ऐसे ही देखिए, शी हैड अ वंडरफुल डे, तो यहाँ पर शी वन थिंग होगी और डे सेकेंड थिंग हो गया। तो वंडरफुल, जो डे तो वंडरफुल नहीं होता है, लेकिन डे किसका वंडरफुल था, शी का था। तो शी की जगह वंडरफुल हमने किसके साथ लगाया, दूसरी चीज़ डे के साथ, जो कि उससे एसोसिएटेड है, जिसका मीनिंग उससे बिल्कुल क्लोजली एसोसिएटेड है। तो द एपिथेट वंडरफुल एक्चुअली डिस्क्राइब्स द काइंड ऑफ द डे शी एक्सपीरियंस। तो वंडरफुल क्या है, एक एडजेक्टिव है। तो इंस्टेड ऑफ शी, वन ऑब्जेक्ट की जगह लगने की जगह ये कहाँ ट्रांसफ़र हुई, सेकंड के पास, कि उसका दिन कैसा था, जो उससे क्लोजली एसोसिएटेड है मीनिंग। तो ऐसे ही हमारे और एग्जांपल्स हैं, ही पास्ड अ स्लीपलेस नाइट। अब यहाँ पे टू थिंग्स हैं, ही और नाइट। तो नाइट तो स्लीपलेस नहीं थी, लेकिन उसकी नाइट स्लीपलेस थी, हिज नाइट वॉज स्लीपलेस। तो हिज नाइट की जगह हमने क्या कर दिया, स्लीपलेस नाइट लिख दिया, और उसके बाद ही के साथ हमने स्लीपलेस यूज़ नहीं किया, तो वो शिफ्ट हो गया किसके पास, सेकेंड थिंग नाइट के साथ। ऐसे ही इट वॉज अ हैप्पी डे, तो हैप्पी डे तो नहीं होता है, लेकिन उस यह एक हैप्पी डे था, तो ये जो स्टेटमेंट बोल रहा है उसके लिए हैप्पी डे था। तो इट के साथ, मतलब उस इट के साथ यूज़ ना होके, तो हैप्पी कहाँ पे यूज़ हो रहा है, सेकंड थिंग के पास ट्रांसफ़र हो रहा है, जो कि उससे क्लोजली एसोसिएटेड है। ऐसे ही सारा हैज़ एन अनहैप्पी मैरिज। अब अनहैप्पी मैरिज जो होती है, मतलब ये तो कोई मीनिंगलेस है, लेकिन सारा की मैरिज अनहैप्पी थी, तो इंस्टेड ऑफ सारा, तो ये जो अनहैप्पी है ये मैरिज के साथ यहाँ पर जुड़ चुका है। तो ये जो है वन थिंग सारा की जगह मैरिज के साथ जुड़ रहा है। सो नेक्स्ट हमारा है यूफोमिज़म।
सो यूफेमिज्म जिसे हम व्यंजना अलंकार भी कहते हैं. सो यूफेमिज्म फिगर ऑफ स्पीच क्या है? Euphemism is a polite expression and it is used in place of the words or phrases that are comparatively unpleasant or harsh. तो euphemism जो है एक polite expression है जो कि use किया जाता है in place of words or phrases that are comparatively unpleasant, जो कि unpleasant होते हैं और harsh होते हैं, तो उनकी जगह use किया जाता है. या फिर हम बोल सकते हैं use of soft words in place of harsh words, मतलब harsh वर्ड्स की जगह सॉफ्ट वर्ड्स यूज करना, उसे हम बोलेंगे यूफेमिज्म फिगर ऑफ स्पीच. इस अलंकार में एक विनम्र अभिव्यक्ति है और इसका उपयोग शब्दों या वाक्यांशों के स्थान पर किया जाता है जो तुलनात्मक रूप से अप्रिय या कठोर होते हैं, जैसे ही हैज डाइड, वह मर चुका है. अब इस सेंटेंस में देखिए, ये एक अनप्लीजेंट और हार्श लग रहा है, किसी को ऐसे बोलते हुए कितना अनप्लीजेंट लग रहा है. लेकिन अगर हम इसका यूफेमिज्म फिगर ऑफ स्पीच बनाते हैं तो हम बोल सकते हैं ही हैज़ पास्ड अवे, वह गुजर चुका है. तो यहाँ पर डाइड की जगह हमने यूज़ कर रखा है पास्ड अवे, जो कि एक सॉफ्ट वर्ड्स हैं, राइट. जैसे और एग्जाम्पल्स हैं अनप्लीजेंट और हार्श, जो कि यूफेमिज्म सॉफ्ट वर्ड्स में कन्वर्ट हो रखे हैं. दिस सेकेंड हैंड सोफा इज़ फॉर सेल, ये थोड़ा सा हार्श लग रहा है, अनप्लीजेंट लग रहा है, तो आप इसे बोल सकते हो दिस प्री लव्ड सोफा इज़ फॉर सेल. तो यूफेमिज्म सॉफ्ट वर्ड है प्री लव्ड सोफा. ऐसे ही शी इज़ अनएम्प्लॉयमेंट, ये भी अनप्लीजेंट है सुनने में अनएम्प्लॉयमेंट बोलना, तो आप सॉफ्ट वर्ड यूज कर सकते हो यहाँ पे शी इज बिटवीन जॉब्स, राइट. तो यहाँ पर वर्ड है बिटवीन जॉब्स. ऐसे ही शी हैज़ बीन सैक्ड, राइट, उसने रिजाइन दे दिया है, तो सैक्ड मतलब उसको निकाल दिया गया है. तो इंस्टेड ऑफ, ये तो हार्श हो गया, तो इसकी यूफेमिज्म क्या होंगे, सॉफ्ट वर्ड्स क्या यूज कर सकते हो, शी हैज़ रिजाइंड हर कमीशन. तो ये जो है रिजाइन हर कमीशन, ये सॉफ्ट वर्ड्स है, यूफेमिज्म है जो फिगर ऑफ स्पीच है. सो नेक्स्ट है आयरनी, जिसे हम व्यंग अलंकार भी कहते हैं. वेरी इंपॉर्टेंट. आयरनी इज मोड ऑफ स्पीच इन विच रियल मीनिंग इज एग्जैक्ट ऑपोजिट ऑफ व्हाट इज लिटरली बीइंग सेड. तो आयरनी क्या होता है, ये ऐसा मोड ऑफ स्पीच है जिसमें जो आपका रियल मीनिंग है वो बिल्कुल अपोजिट होगा जो आप कहना चाहते हो. जैसे इस अलंकार में एक विनम्र अभिव्यक्ति है और इसका उपयोग शब्दों या वाक्यांशों के रूप पर किया जाता है जो तुलनात्मक रूप से अप्रिय और कठोर होते हैं, जैसे टाइप्स ऑफ आयरनी. अब यहाँ पर हमें थोड़ा पता लगेगा कि आयरनी में जो आप कहना चाहते हो वो एक्चुअल में क्या होता है, सॉफ्ट होता है. आप किसी को बोल रहे हो लेकिन सुनने में तो ऐसा लगता है कि आप उसके बारे में अच्छा बोल रहे हो, लेकिन आपका मीनिंग कुछ और होता है, आप उससे और अपोजिट बोल रहे हो. जैसे टाइप्स ऑफ आयरनी होता है वर्बल आयरनी, ड्रामेटिक आयरनी और सिचुएशनल आयरनी. अब जैसे हम एग्जाम्पल्स के थ्रू इसको और अच्छे से समझते हैं. वर्बल आयरनी क्या होता है? इट अकर्स व्हेन ए स्पीकर सेज वन थिंग बट मीन्स अनदर. ये तब होता है, वर्बल मीन्स मौखिक, मुंह से बोलना, कम्युनिकेट करना, राइट. तो यहाँ पर क्या होता है, स्पीकर कुछ एक चीज़ बोल रहा है लेकिन क्या होता है, उसका मतलब अलग होता है. जैसे देर आर थ्री टाइप्स ऑफ वर्बल आयरनी. वर्बल आयरनी क्या होता है, थ्री टाइप्स के होते हैं. द फर्स्ट वन इज़ ओवर स्टेटमेंट. ओवर स्टेटमेंट क्या होता है कि एक नॉर्मल स्टेटमेंट होती है, आप एक नॉर्मल बात बोलना चाहते हैं लेकिन उसको और बढ़ा के बोल देना, दिस इज ओवर स्टेटमेंट, राइट. जैसे अ चांस टू एम्फसाइज द क्वालिटी ऑफ योर फीलिंग्स बाय इंक्रीजिंग देयर क्वांटिटी. मतलब आप किसी की कोई क्वालिटी को बता रहे हो, अपनी फीलिंग्स को बता रहे हो, लेकिन उस क्वालिटी को क्वांटिटी के साथ बता रहे हो, मतलब ओवर से ओवर स्टेट, मतलब ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के चीज़ को बता देना, दिस इज़ ए वर्बल आयरनी. तो आयरनी का तो आपको मतलब है, जो आप कहना चाहते हो उसका जो मीनिंग है वो उस कहने से बिल्कुल अलग है. जैसे आई हैवन्ट सीन यू इन 100 ईयर्स.
ओवर स्टेटमेंट होता है आई हैवन्ट सीन यू इन 100 ईयर्स. 100 ईयर्स तो किसी ने देखे नहीं है, लेकिन आपने और ओवर बोल दिया कि मैंने तुम्हें सालों से नहीं देखा है. तो क्या हो गया, ये ओवर स्टेटमेंट वर्बल आयरनी हो गई है. मैंने तुम्हें 100 सालों में नहीं देखा है. अंडर स्टेटमेंट क्या होता है कि आप जो बोलना चाहते हो उससे थोड़ा कम बोल रहे हो. जैसे दिस इज व्हेन यू अंडरमाइन समथिंग, राइट. जैसे इट वॉज ओके, ये आपने कब बोला, सेड बाय स्टूडेंट हु गॉट द हाईएस्ट स्कोर ऑन द टेस्ट. ये वो स्टूडेंट बोल रहा है जिसके टेस्ट में बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं. मतलब ये तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है उसके बोलने की कि अरे मैंने तो इतने मार्क्स लेकर आया हूँ. लेकिन इंस्टेड ऑफ दिस वो बोल रहा है इट वॉज ओके. तो अंडर स्टेटमेंट हो गई, मतलब इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं दिखा रहा है वो. तो अंडर स्टेटमेंट मतलब उससे कम बोल रहा है. ऐसे ही यह ठीक था. अब जैसे इसका जो थर्ड टाइप है वो है सार्काज्म. तो इसमें क्या है, इन सार्काज्म द स्पीकर सेज द ऑपोजिट ऑफ व्हाट ही और शी मीन्स इन ऑर्डर टू शो कंटेम्प्ट और मॉक. नॉट ऑल द सार्काज्म इज डिलीवर्ड रूडली और एंगरली. तो क्या होता है, इसमें स्पीकर जो होता है वो बिल्कुल अपोजिट बोलता है टू ऑफ व्हाट ही और शी मीन्स. तो बिल्कुल अपोजिट बोलेगा जिससे कि दूसरा जो होता है वो बिल्कुल मॉक हो जाता है. सो नॉट ऑल सार्काज्म इज डिलीवर्ड रूडली. तो ज़्यादातर जो सारे के सारे सार्काज्म जो होते हैं वो रूडली डिलीवर नहीं किए जाते, गुस्से से डिलीवर नहीं किए जाते. जैसे कि आप बोल सकते हो वेरी गुड, वेल डन, ये किसी ने बोला. लेकिन कब बोला, जब व्हेन समवन डज समथिंग रॉन्ग, जो कोई गलत काम करता है. जैसे आप जो मामा हैं, जैसे आपकी, अगर आप कोई गलत काम करोगे तो आपकी मामा बोल देती है ओह वेरी गुड, वेल डन, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, ठीक है, और आपने गलत काम किया है. तो ये एक तरह से सार्काज्म हो गया. मतलब आपका बोलने का मतलब कुछ और था लेकिन आप उसको थोड़े अलग ढंग से बोल रहे हो. सो दिस इज सार्काज्म. सो ऐसे ही सेकेंड टाइप है आयरनी का, ड्रामेटिक आयरनी. सो ड्रामेटिक आयरनी क्या है, इट अकर्स व्हेन ऑडियंस और रीडर नोज मोर देन द कैरेक्टर अबाउट इवेंट्स. तो ये कब होती है, जब ऑडियंस या रीडर नोज मोर देन द कैरेक्टर अबाउट इवेंट्स. ऑडियंस को कैरेक्टर्स के बारे में, इवेंट्स के बारे में ज़्यादा पता होता है एज़ कम्पेयर टू दी जो कैरेक्टर्स होते हैं. तो उसको हम ड्रामा बोलते हैं. अब आपको पता है जैसे कोई ड्रामा चल रहा है तो आपको सारे सीन्स पता होते हैं, अरे वो तो वहाँ छुपा है, ये वहाँ क्यों चला गया, उसको तो नहीं जाना चाहिए, वो चला जाता है. तो हमें तो सब पता होता है कि कौन क्या है, हमें सीन सारे दिख जाते हैं. लेकिन जो कैरेक्टर्स होते हैं वो ड्रामा क्रिएट करते हैं आपके लिए, कि आपके लिए एक सस्पेंस हो. तो कैरेक्टर्स को ऐसे दिखाया जाता है कि उनको कुछ नहीं पता लेकिन हमें सब पता होता है. दिस इज ड्रामेटिक आयरनी. अब जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, अ बॉय इन अ हॉरर फिल्म हाइड्स इन अ क्लोजेट वेयर द किलर जस्ट वेंट. तो एक लड़का एक हॉरर फिल्म में अपने आप को एक कमरे में बंद करता है जहाँ पहले से किलर पहुँचा हुआ है. तो क्या है कि द ऑडियंस नोज द किलर इज देयर. एग्जाम्पल देखते हैं, अ बॉय इन ए हॉरर फिल्म हाइड्स इन ए क्लोजेट वेयर द किलर जस्ट वेंट. तो लड़का एक हॉरर मूवी में अपने आप को कमरे में बंद कर देता है जहाँ पर किलर पहले से पहुँचा हुआ है. तो क्या है, यहाँ पे ऑडियंस को सब पता है कि किलर वहाँ पे है लेकिन लड़के को नहीं पता. उसको क्यों नहीं पता, क्योंकि वो ड्रामा, ये सब ड्रामा है, ड्रामा की क्रिएशन है, राइट. ऑडियंस के लिए ड्रामा क्रिएट किया गया है, सस्पेंस क्रिएट किया गया है, जिसमें ऑडियंस को सारे सीन्स पहले से पता लग जाते हैं लेकिन मूवी में जो कैरेक्टर्स हैं उनको नहीं पता. सो दिस इज ड्रामेटिक आयरनी. नेक्स्ट इज सिचुएशनल आयरनी. सिचुएशनल आयरनी क्या होती है, दिस रेफर्स टू द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द एक्चुअल रिजल्ट ऑफ अ सिचुएशन एंड व्हाट वाज इंटेंडेड और एक्सपेक्टेड टू हैपन. तो ये कॉन्ट्रास्ट होती है कि जो सिचुएशन से रिजल्ट क्या आया है लेकिन आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, उससे बिल्कुल अपोजिट आया है. एग्जाम्पल है, अ मैन हु ऑन्स अ लॉन मेंटेनेंस बिजनेस कैन नॉट गेट ग्रास टू ग्रो इन हिज ऑन बैकयार्ड. एक आदमी जिसने अपने बिजनेस के लिए, बिजनेस के मेंटेनेंस के लिए लोन लिया था लेकिन वो अब अफोर्ड नहीं कर पा रहा है
ग्रास नहीं खरीद पा रहा है अपने आंगन के लिए, तो क्या हो गया, एक लोन लेने वाला व्यक्ति एक ग्रास को अफोर्ड नहीं कर पा रहा, तो बिल्कुल जो सिचुएशन है वो एक अपोजिट हो गई है, राइट। सो दिस इज अ सिचुएशनल आयरनी। सो नेक्स्ट इज पन, जिसे हम शलेश अलंकार भी कहते हैं, जो इस वीडियो का लास्ट फिगर ऑफ स्पीच है। तो पन क्या है? पन इज ऑफन यूज इन ए फॉर्म ऑफ ए जोक वेयर वर्ड्स कैन हैव मोर देन वन मीनिंग, जिसमें वर्ड्स के एक से ज़्यादा मीनिंग होते हैं, और वर्ड्स कैन साउंड लाइक दे मीन समथिंग एल्स, और वर्ड्स का साउंड ऐसे होता है जैसे उनका मीनिंग कुछ और होता है। एंड इट इज़ अ टाइप ऑफ फिगरेटिव लैंग्वेज दैट आर ऑफन बट आर नॉट ऑलवेज ह्यूमरस। तो ये ह्यूमरस ज़्यादातर नहीं होती। जैसे इस अलंकार में किसी शब्द का उपयोग इस तरह से किया जाता है कि उसका एक से ज़्यादा अर्थ हो सकता है, और ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि उसका एक अलग ही असर हो। तो पन क्या होता है? पन में क्या होता है, एक तरह से जैसे चुटकुला होता है, एक जोक होता है, तो उसकी फॉर्म में होता है, तो जोक की तरह ये होता है। अब यहाँ पर ये देखिए, पन में कुछ ऐसे वर्ड यूज़ किए जाते हैं जिनका मतलब एक से ज़्यादा निकलता है। अब जैसे सेंटेंस के थ्रू देखते हैं, शी हैज़ मैनी फैंस, तो ये एक पन है। अब यहाँ पर देखिए, फैंस के दो मीनिंग्स हैं, एक तो फैंस जो होता है वो होता है प्रशंसक, नेक्स्ट फैंस जो होता है वो होता है पंखा। अब इसके टू मीनिंग्स हैं, उसके पास बहुत सारे पंखे हैं या उसके बहुत सारे प्रशंसक हैं, तो यहाँ पर ये एक पन है। ऐसे ही और एग्जांपल्स हैं, द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द टाउन इज़ द लाइब्रेरी, इट हैज़ थाउजेंड्स ऑफ स्टोरीज। लाइब्रेरी जो है एक टॉलेस्ट बिल्डिंग है टाउन में, और इसकी थाउजेंड्स ऑफ स्टोरीज हैं। अब स्टोरीज भी एक पन हो गया, कैसे? क्योंकि स्टोरीज जो होती है वो कथा भी होती है, और स्टोरीज जो हैं वो एक मंजिल भी होती हैं, कितनी मंजिलें हैं, राइट। तो ऐसे ही नेक्स्ट है, इट्स अ पॉइंटलेस टू राइट विद अ ब्रोकन पेंसिल। अब यहाँ पे पॉइंटलेस टू राइट, अब पॉइंटलेस देखिए, पॉइंटलेस जो है पेंसिल के लिए यूज़ कर रखा है, तो पॉइंटलेस के भी टू मीनिंग्स हैं यहाँ पर। फर्स्ट है व्यर्थ, पॉइंटलेस होता है कि मतलब पॉइंटलेस है, इसका कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। और नेक्स्ट है बिना नोक का, तो यहाँ पे इसके टू मीनिंग्स हो गए। तो एक से ज़्यादा मीनिंग्स निकलना ये सेंटेंस में, ये क्या है, ये पन है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द फिगर्स ऑफ स्पीच पार्ट वन, जिसमें हमने 11 टाइप्स इसके कवर किए हैं। सो आगे की वीडियो का देखने के लिए, इसका नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए आप कनेक्ट रहिए, और आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो जल्दी से जल्दी जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को, सब्सक्राइब कर दीजिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड हिट द लाइक बटन अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है। थैंक यू सो मच।